देखिए श्री राम प्रभु हमारे भारत का आदर्श है, आत्मा है हमारे भारत का और हमारे आदर्श है। देखिए हम आज का डेट में छोटे छोटे जमीन का टुकड़ों के लिए लड़ते रहते हैं जिंदगी भर, केस मुकदमा चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन ताउम्र जो है ना अपना केस मुकदमा में लड़ाई झगड़ा में व्यतीत कर देते हैं। कभी भी हम जो है ना श्री राम प्रभु को समझने का कोशिश नहीं किए, श्री राम प्रभु को आदर्श को समझने का कोशिश नहीं किए, जानने का कोशिश नहीं किए, जो कि एक एक बात में अपना पिताजी का एक बोली में 14 वर्ष जो है ना इतना बड़ा राज्य छोड़ करके जंगल में दर दर की ठोकरे खाने के लिए चले गए, वो थे श्री राम प्रभु। तिनका मात्र के तरह त्याग दिए अपने इतना बड़ा निष्कंटक राज्य को और माता पिता को रोते हुए बिलखते हुए छोड़ करके जंगल में चले गए, वो थे श्री राम प्रभु। उन श्री राम प्रभु से आदर्श को हमको सीखना चाहिए। आज जो है सारा विश्व जो है राममय हो गया है। आज जो है ना 1070 साल से ये विरोधी जो है ना भारत वर्ष को, हमारे आत्मा को, हमारे आत्मसम्मान को तोड़ के रख दिए थे, कुचल के रख दिए थे। वो मोदी की सरकार वापस दे करके बना करके, राम मंदिर को बना करके पुनः जो है ना निर्माण कर करके, उसको रिपेयरिंग कर करके, उसको रफू करके, उसको मरम्मत करके, उसको माने रिनोवेटेड कर करके पुनः देने का कार्य कर रहे हैं मोदी की सरकार। तो मोदी की सरकार को आने वाला समय में हम और बहुमत से जिताएंगे ताकि और 4 चीज जो है ना उनसे प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। 56 इंच का मोदी जी के पक्ष में आ गया बात करते करते। जी मोदी जी के पक्ष में इसलिए आया हूँ कि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो कि 56 इंची का सीना है और बब्बर शेर है, वही ये काम कर सकते हैं जो 4 चीज हम और मांगना चाहते हैं, जो कि ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान जो को दे दिया गया कांग्रेस की सरकार में, और उसके बाद में जो है ना आपको जो है ये कैलाश मानसरोवर वो भी दे दिए हिंदुओं का सबसे पवित्र प्रमुख तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर वो भी दे दिए चाइना को, उसके बाद में मथुरा और काशी वो दोनों को उद्धार कराना है, तो ये मोदी सरकार ही कर सकता है। इसलिए मोदी की सरकार को जो है बहुमत से लाना है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि उनको जो है बहुमत से लाएं और ताकि ये हमारे माने विरासत को पुनः उद्धार कर सकें। और आज जो है ना संपूर्ण भारत देश राममय हो गया है, अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। आप भी जाइए 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम प्रभु का दुर्लभ दर्शन प्राप्त करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ओके जी, जय श्री राम। जय, मैंने पोस्ट डालना शुरू कर दिया, जय श्री राम का मैं डालूंगा, आपने कहा अच्छी बात है। वैसे मैं धर्मों की बात नहीं करता चाहता, मैं अब हिंदू ही वैसे देखा जाए तो भगवान की दया से। चलो ठीक है, जय श्री राम मांगू, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन बीच में अंतरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र हुआ तो बंदे सोचे हैं कि मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, भाई मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अपनी बात है कि उन्होंने रखी अपनी वो मैं अपडेट करूँगा इस पर। चलो थैंक यू सो मच भाई सभी को।